अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घर में खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं जा रही हूँ घूमने और आज है संडे, तो मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ संडे का ब्लॉग। और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ ये मुरादाबादी चिकन पुलाव। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और यहाँ पर मैंने ये सैलड भी रेडी कर लिया है और मैं रास्ते के लिए सिर्फ पुलाव और ये सैलड लेके जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पैरट को भी नहला रही हूँ क्योंकि इसको नहाने का बहुत शौक है और ये भी हमारे साथ जाने वाला है। तो हम सब निकल चुके हैं घर से और यहाँ पे सुबह के 11 बज रहे थे और यहाँ पे बारिश नहीं थी और बच्चे काफ़ी खुश लग रहे थे। और साथ में हमने ये पैरट भी ले लिया है क्योंकि इन लोग को देखने वाला कोई होगा नहीं घर में, तो हमने साथ में ही ले लिया। और हम जहाँ भी जाते हैं अपने पैरट को साथ में लेकर जाते हैं, और मैं मेरी अम्मी के यहाँ भी जाती हूँ तो साथ में ही लेकर जाती हूँ। और बारिश के दिनों में ही पुणे में घूमने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये सब पहाड़ों के ऊपर ये बसा हुआ है और काफ़ी हरियाली दिखती है बारिश के दिनों में। आप सबके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मैं। और हम सब जा रहे हैं मलावली और ये पुणे से 2 घंटे का रास्ता है। और इसको देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं। और बारिश भी आ चुकी है जितना नजदीक से ये सब चीजें अच्छी लगती है उतना दूर से नहीं। और थोड़ी ही देर में हम सब पहुंचने वाले हैं। तो हम सब पहुंच चुके हैं मलावली। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से, और ये पहाड़ के ऊपर से जो ये पानी गिरता है तो नजदीक से काफी अच्छा लगता है। हम लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। और ये है मुंबई पुणे हाईवे। लंच करने के बाद हम सब यहाँ से निकल चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे रिलेटिव्स के घर, क्योंकि उनका घर रास्ते में ही था। और इससे पहले मैं आप सबके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। और ये है मेरे जेठ की बेटी का घर जहाँ हम सब आए हैं। और ये है गार्डन एरिया, इससे पहले मैंने आप सबके साथ रात में शेयर किया था। और यहाँ का ये है क्लब हाउस, तो हमने सोचा कि हम अंदर जाके देख सके लेकिन बंद था ये। और यहाँ का ये है स्विमिंग एरिया। और डिनर में यहाँ पे बना रहे ये चिकन कोरमा। और उसके साथ यहाँ पे बनाए इन्होंने राइस। तो यहाँ पे राइस भी बनके रेडी हो चुका है, तो अब हम सब करने लगे हैं डिनर। तो आप सब भी आ जाए हमारे साथ। तो आई होप मेरा ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें और साथ में लाइक भी कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब भी कर दें।
और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।